दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार और झारखंड के सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि सबसे पहले छठ पूजा किसने किया था, छठ पूजा की शुरुआत कब हुई थी और छठ पूजा का महत्व क्या है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे चार दिन तक चलता है। छठ पूजा नहाय खाय से शुरुआत होती है जो उगते और डूबते सूर्य को पूजा देकर समाप्त हुई है। छठ पूजा साल में दो बार मनाया जाता है, पहला चैती मास में जो चैती छठ कहलाता है और दूसरा कार्तिक मास में जो कार्तिक छठ कहलाता है। एक मान्यता के अनुसार जब श्री राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया था। पूजा के लिए भगवान श्री राम ने मुग्धल ऋषि को आमंत्रित किए थे। मुग्धल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया था और कार्तिक मास की शुक्ल की सूर्य देव को उपासना करने का आदेश दिया था। सीता माता ने 6 दिन तक भगवान सूर्य देव की पूजा किए थे और आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरा कथा ये है दोस्तों कि महाभारत काल के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई है। कहा जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य के पूजा करके शुरुआत किया था। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना किया करते थे। दोस्तों चाहे जो भी हो, छठ पूजा की कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।